हेलो बच्चों, मेरा नाम है टकेश्वर साहू और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ने वाले मैथमेटिक्स। मेरा नाम है टकेश्वर साहू और आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या को सामान्य रूप में लिखना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकांश बच्चों से इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न बनते नहीं है। तो आज के बाद ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कैसे भी क्वेश्चन दिया जाएगा इस टॉपिक से, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे अभिप्सा टीम के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। हमारी जो अभिप्सा टीम है वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जिनके पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, जो दूर दराज गाँव में रहते हैं जहाँ पर उनको कोचिंग की असुविधा नहीं है, स्कूल में सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी अभिप्सा टीम ने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आप कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के संपूर्ण विषय को बिना किसी रुकावट के आप अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप जान सकते हैं। विशेषताओं को जानने के लिए आप हमारे अभिप्सा ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर हमारे संपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट क्या है, www.abhipsa.in, वहां पर जाकर भी आप हमारे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों 5 स्टार लगा के रखना, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं आपके 9वीं 10वीं क्लास में। साथ ही साथ आप कक्षा 12वीं के बाद जब एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे उस लेवल से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आज हल करने वाले हैं। किस कैसे हल करते हैं इसके बारे में आज मैं अच्छे से आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक संख्या दी गई है, दशमलव संख्या 1.555 जो अनंत की ओर बढ़ रही है, को p बाय q के रूप में हमें व्यक्त करना है। p बाय q की फॉर्म में हमें इसे लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। देखिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको दो तरीके बताऊंगा, एक रहेगा हमारा लॉन्ग मेथड और एक रहेगा हमारा शॉर्ट मेथड। जब ये क्वेश्चन आपको एक अंक के लिए पूछा जाएगा तो आप उस केस में कैसे करोगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इसका उत्तर सेकंडों में निकाल लोगे, कुछ ही सेकंड में निकाल लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे अगर 3 अंक के लिए, 4 अंक के लिए पूछा जाएगा तो आपको वो लॉन्ग मेथड जो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं उस मेथड को आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो दो मेथड है, दोनों मेथड को आपको सीखना है। एक जो मेथड है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है और एक जो मेथड है जो आपको 3 से 4 अंक दिलाने वाले हैं। देखिए, तो मैं पहले आपको लॉन्ग मेथड के बारे में सिखाने वाला हूं, अच्छे से देखना और सीखना। पहले मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। चलो ठीक है, चले देखो, तो सबसे पहले हमें इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे साइड में हल। देखिए, जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा उसी तरह से आप भी लिखते हुए चलेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, देखिए, हमें ये जो दशमलव संख्या दी गई है उसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो जो हमें संख्या दी गई है ना उसी को हम मान लेते हैं q बाई p बाई क्यू। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हमें जो संख्या दी गई है उसी को मैंने मान लिया, माना p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, चलो बोल दो बच्चों, 1.555 और ये चलते जा रहा है अनंत की ओर। अभी तक हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले p बाई क्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 1.5, उसके बाद यहां पर देखिए 5 जो ऐसी अंक है जो रिपीट हो रहा है, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है। यहां पर देखिए 5 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना बच्चों, जो संख्या रिपीट हो रही है, जो अंक रिपीट हो रहा है उसको लिखे और उसके ऊपर में आपको लगा देना है बार। इतने बड़े संख्या को हमने इतना शॉर्ट में लिख दिया है, मैंने क्या कहा, अगर संख्या रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर में आपको लगा देना है बार। ठीक है, अगर 2 संख्या रिपीट हो रहे थे, मान ले कि यहां पर 2 और 5 की आवृत्ति हो रही होती, 2 और 5 का यहां पर अनंत टाइम्स क्या होते, रिपीट हो रहे थे, तो हम 2 और 5 को लिखते और इसके ऊपर में ऐसा बार लगा देते। यहां पर केवल 5 का रिपीट हो रहा है तो हमने यहां पर 5 के ऊपर में लगा दिया बार। यहां तक समझ में आ गया क्या। ठीक है, चलो
देखो, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमें समीकरण मिला है इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर एक। क्या हो चुका, समीकरण एक हमें मिल चुका। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा रुकना है और सोचना है। देखिए इस साइड को देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है जिसका रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 10 में एक जीरो होता है। अगर यहां पर दो संख्या का रिपीट होता, मान ले कि यहां पर दो और पांच का रिपीट होता, तो हम इसको किससे गुणा करते, तो हम इसको 100 से गुणा करते, क्योंकि 100 में दो जीरो है। अगर यहां पर तीन अंकों का रिपीट होता तो हम उसको 1000 से गुणा करते, क्योंकि 1000 में तीन जीरो होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सोचना रहेगा कि कितने जो अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको गुणा करेंगे। तो यहां पर दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है 5 का, तो हम यहां पर केवल 10 का गुणा करेंगे, 100 और 1000 का गुणा हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे इसको हम और क्या हल कर सकते हैं। देखिए तो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने वाला हूं। ठीक है, चलो मैं एक लाइन यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप भूल मत जाओ। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर देखो, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, चलो बच्चों गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो यहां पर पहले मैं 10 का गुणा करूंगा तो 10 लिखा जाएगा और p by q को मैंने लिख लिया बराबर। इधर भी हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 गुना ये हो जाएगा 1.5 बार लग जाएगा। समझ में आ गया क्या क्या किया हूं मैं। चलो आगे की बात करते हैं। देखिए बच्चों इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे ही लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे बराबर। देखिए 1.5 का आप करेंगे 10 से गुणा तो होगा क्या, यहां पर दशमलव के बाद जो एक अंक है वो उठकर इस साइड में आ जाएगा, केवल एक आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर 10 का गुणा करेंगे आप इससे तो दशमलव के बाद केवल एक अंक जो है वो इस साइड आ जाएगा। तो एक तो पहले इसी साइड में था, दशमलव के इस साइड में है, पांच जो है वो एक पांच जो है वो इस साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लगाया मैंने। फिर देखिए यहां पर पांच तो अनंत बार था ना, केवल एक बार आया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी पांच बार ही लिखाएगा। अभी भी क्या लिखा चुका बच्चों, पांच बार हो चुका। इतना कर लिए तो आपका 50% काम हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर दो। क्या देंगे, समीकरण नंबर दो देंगे। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए बच्चों आप सोचिए क्या इसको हम हल करेंगे कि हमें p by q का मान मिल जाए। तो देखिए बच्चों इसको हल करने का एक स्टेप होता है, एक मेथड होता है, आप समीकरण दो में समीकरण एक को घटा देंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, समीकरण दो में हम समीकरण एक को घटाने वाले हैं, समीकरण दो ऋण एक से। चलो देखते हैं कि हमें समीकरण दो में एक को घटाएंगे तो क्या मिलने वाला। ठीक है, तो समीकरण दो का पहले हम LHS का समीकरण एक के LHS के साथ माइनस करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद समीकरण दो का RHS के साथ समीकरण एक के हम RHS को घटाने वाले हैं। ठीक है, चलो तो पहले मैं समीकरण दो का LHS को लिख लेता हूं। तो यहां पर दिया गया है 10 p by q। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, समीकरण एक के LHS को। तो LHS क्या दिया हुआ है, पी बाई क्यू है। चलो यहां तक हो गया बराबर। अब हम घटाएंगे RHS को, समीकरण दो में एक को घटा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, तो समीकरण दो हमारा ये है 15.5। चलो 15.5 फिर बार है, अब इसमें हम घटाएंगे समीकरण एक के RHS को, जो कि क्या है 1.5, ऊपर में क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब यहां पर देखिए 10 p by q है और यहां पर 1 p by q है। तो 10 p by q में आप जब 1 p by q घटा दोगे तो क्या मिलेगा, 10 में घटाओगे तो 1 मिलेगा, सॉरी 1 नहीं 9 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 9 p by q बराबर। अब इसको देखिए बच्चों, इसको हम कैसे घटाएंगे, चलो मैं इसको आपको रफ में घटा कर दिखाता हूं। देखिए 15.5 बार मैंने लिखा, फिर ऋण का चिन्ह लगाया, फिर देखिए यहां पर ये हो जाएगा 1.5 बार। जैसे हम सामान्य अंकों को घटाते हैं उसी तरह से घटाएंगे, तो 5 में 5 घटेगा तो यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है माइनस, ठीक है सॉरी पॉइंट, 15 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। 15 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो 14.0, दशमलव के बाद के 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल यहां पर आ जाएगा क्या, 14 आ जाएगा। तो हमने यहां पर 15 में 1 को घटा दिया, सीधा सीधा 14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो देखिए आपका उत्तर आपके सामने है, बस कुछ नहीं करना है,
बस आपका उत्तर आ चुका है। P by Q हमने लिखा, ये 9 जो है वो P by Q के साथ गुणा में है, तो गुणा को पक्षांतर करेंगे तो वो जाता है भाग में, तो ये 14 के भाग में चला जाएगा, 14 के नीचे में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। यही हमारा उत्तर है बच्चों, यही आपको 3 से 4 अंक दिलाने वाला है, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस देख लीजिए, 4 से 5 लाइन में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 3 से 4 अंक आप इसमें आराम से ले सकते हो। ये हमारा लॉन्ग मेथड हुआ, कब के केस में आप इसको फॉलो करेंगे, जब आपको 2 अंक के लिए, 3 अंकों के लिए या फिर 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप इसको कैसे बनाओगे, अब मैं आप इसको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक की सहायता से भी इसको आप हल कर सकते हो। चलो अब हम सीखने वाले हैं शॉर्ट मेथड के बारे में। देखिए तो देखिए, मैं आपको इसी जगह इसको हल करके बता दूंगा। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो हम लिख सकते हैं 1.5 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर में हम ये बार लगा देते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, इसको हमें कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव और यहां पर जो बार दिया हुआ है उसको हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये 15। देखिए तो 15 को मैंने लिखा, अब इसमें हम घटा देंगे किसको, ये जो 1 है दशमलव के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है उसको आप घटा देना है। अगर 2 रहता तो 2 घटा देते, 3 रहता तो 3 घटा देते, अगर 6 रहता तो 6 घटा देते। यहां पर 1 है तो मैंने 1 घटा दिया। समझ में आ गया क्या किया हूं मैं, यहां पर दशमलव को हटाया, बार को हटाया, 15 को एक साथ लिख दिया, फिर इसमें दशमलव के बाद जो 1 अंक यहां पर 1 दिया है उसको इस 15 में मैंने घटा दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर आपको चिन्ह लगाना है, भाग वाला बटे का चिन्ह लगाना है, उसके बाद दशमलव के बाद देखना कि कितने जो अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, तो दशमलव के बाद जो है वो 5 का रिपीट हो रहा है, तो आपको 1 9 यहां पर लगा देना है। ध्यान रखना बच्चों, कितना अंक रिपीट हो रहा है, यहां पर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो मैंने 1 9 लगाया। अगर 2 अंक रिपीट होते, अगर 2 अंक रिपीट होते तो हम यहां पर 2 9 लगा देते, 3 अंक रिपीट होते तो हम 3 9 लगा देते, 4 अंक रिपीट होते तो हम वहां पर 4 9 लगा देते। ठीक है, अभी हमने 1 9 क्यों लगाया, क्योंकि 5 बस का रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, बस इसको हल कर दो। तो 15 में 1 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14, और नीचे में आ जाएगा 9। देख लीजिए दोनों उत्तर सेम आया कि नहीं। तो शॉर्ट मेथड में हमने जो बनाया 14/9 और लॉन्ग मेथड में भी 14/9 आया है, दोनों से आप इसको हल कर सकते हो। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपसे 3 अंक के लिए पूछे जाएंगे और आपने इतना बस काम किया तो आपको केवल 1 अंक दिया जाएगा, आपके 2 अंक काट दिए जाएंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आपको इतना लंबा चौड़ा हल नहीं करना है, इसको आप ट्रिक से बना सकते हो। अगर ये 3 से 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा तो पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही आसान बनने वाला क्वेश्चन है, पता नहीं भाई बच्चों को ये क्या कंफ्यूजन लगता है, जबकि ये बहुत आसान है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह के और वीडियो देखना है तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे अभिप्सा ऐप को डाउनलोड करके हमारे संपूर्ण कोर्स को बिना किसी रुकावट के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपने एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।